से उठाते हैं, रैलियां करते हैं और सरकार बना देते हैं और हमारे भोले भाले अमीरों को उठाने वाले दिखाकर झूठ बोलकर अपनी सरकार बना लेते हैं। उनको नहीं पता कि किसान का दुख क्या है और किसान का सुख क्या है। जो चीज हमारे को तंग कर रही है हमें चाहिए नहीं, जबरदस्ती वो हमें क्यों देना चाहता है, हमें ये लाभ नहीं चाहिए। वो लाभ अपने पास रखे, अपनी एकता बनाए रखे, सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि किसान के आगे और मजदूर के आगे आज तक का इतिहास है कोई टिक नहीं पाया है। जय जवान जय किसान, अपनी खाद किसी और को देंदे सी और को प्रशासन को देंदा सी। जय जवान निकल गया थे। लंगर एक धार्मिक जिदा कि सारे धर्म के लोग हर जाति का लोग इतों लंगर छकता सी। लंगर के उत्ते बंद करना प्रशासन की बुखलाट दिखाता है भी एक बेमतलब की बुखलाट सी। शिकायत जी का असी बहुत बहुत धन्यवाद करांगे, उन्होंने नाल हाँ, उन्होंने पिछे खड़े हाँ, असं आने भी अगे वधो असी तुहाडे नाल हाँ, क्योंकि जिहड़ा उत्थे उन्होंने नाल गलत होया प्रशासन ने किया वो चीज़ का भी बहुत असर पिया। भी एक बार फिर अंदोलन जिहड़ी पोजिशन सी उदू डबल पोजिशन से बाहर आया, एक स्प्रिंग नूं असीं दबने आ वह खोलता तो उदू डबल पोजिशन से बाहर जाता, वो चीज़ हुई है। यह चीज़ प्रशासन को पता लग गया। मोदी जिहड़ा अज तक बोलिया नहीं सी साडा प्रधानमंत्री, मन की बात बोल के टुट जाता सी, अज वो साडे बारे बोलना शुरू किया। उन्हें फिर क्या जिहड़े विधायक ने उन्होंने अज इस्तीफा भी दिता, रामपाल जी ने बीजेपी के ने, उन्हें कहा जी ये सरकार गलत कर रही है, मैं बीजेपी के MLA तो इस्तीफा देना वा, वो इस्तीफा भी दे चुका है। हुण मोदी को जागना चाहिए, इस सरकार को जागना चाहिए, ये बारे सोचना चाहिए और कानून वापस लेने चाहिए ने, ये जरूरी है। अंदोलन बहुत उच्च पद्धर से पहला नालों 50% उत्ते वे जिहड़ा इत्थे सानू धरना नहीं लाण दिता गया। पहले दिन 5 दिन 5 बंदे, फिर 25 बंदे, अज असी देख लो किन्नी तादाद इत्थे च बैठे हाँ। असी धरना सामने लगा रहे सी, मोदी मीडिया विखा रहा सी कि चले गए ने चले गए ने चले गए ने, अज मोदी मीडिया विखाए भी कित्थे चले गए ने। ये जी खास ही MLA की वो निकल चुकी है, उन्होंने पता लग गया भी उन्नी मुड़न वाले और इन्होंने अस्तीफा दे के किसानों के नाल होना चाहिए। जोड़ा उन्होंने अगर अपनी जमीर की लड़ाई लड़नी है अपने उनकी लड़ाई है, उन्होंने चाहिए भी इस किसानों नाल बैठन और अजे भी अपनी इज्जत संभाल। MLA जी रविंदर कल्याण पूरे हरियाणा के सिर्फ एक इस कोल के उ प्रशासन इन्नी बंदे सन इन्नी फोर्स लाई हुई है जोड़ा कि किधर नहीं लगी सी। ये पहली बार भी हर थान लंगर चल रहे हैं, हर थान के टोल बंद ने, पर इतने इन्ना प्रशासन क्यों लाया गया सिर्फ एक खाज करके भी इन चीज़ा नहीं होनी चाहिए। सामने वो किसान है उन्होंने भी किसानों ना बोलना चाहिए सी, उन्होंने दुख दर्द देखना चाहिए सी, पर उन्हें नहीं देखे। आपसे जानना चाहता हूँ कि साहब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, क्योंकि और भी बहुत बोलने वाले मेरे भाई यहाँ पे हैं, बाकी लास्ट में हम नारा लगाएंगे किसान मजदूर एकता, पर कई तरह के किसान मजदूर एकता की कोशिश की गई काफी दिन के बाद आपको लग रहा है आंदोलन और उठ गया है? और उठेगा उठेगा और उठेगा, क्या कहना चाहेंगे जी आप? इस तरह जी आंदोलन उठ गया है तो साजिश भी सी साडी इन्हां दी, किसान नहीं ये किसान नहीं किया, ये किसान ने किया, ये कुछ बिच बीजेपी के ही बंदे सन, ये टोल टैक्स के उत्ते भी पूरा अपना कब्जा जमाया बीजेपी ने। रविंदर कल्याण जिहड़ा MLA वे ना उन्हें इतने आख्या भी लंगर नहीं लगन देना, लंगर भी अज लगा है, कोई वेखो संगत सारी लंगर छक के, कभी लंगर भी किसी सरकार ने बंद कराया? पहली सरकार है जी लंगर आँदी बंद करो, लंगर देखो गरीब खाँदा है, राह चलता खाँदा है, ये ताना शासन आ रहे, इन्होंने तिने कानून रद्द करने पैणगे, तिने कानून अज रद्द कर देना सी। कल कहता सी इन्हें जो MPA भगवंत मान उन्हें पूछा सी किसान बैठे ने हुण तो प्रधानमंत्री जी जागो तो उन्होंने गल सुनो, तुसी एक लोकतंत्र बैठे हो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਫਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ
और गल करो गल तो है ना अगर वो कहे भी असं एक तो फोन से बैठे हाँ ये कानून जो थोड़ा दिल करे अं कैंसल करने कहते नहीं जी डेढ़ साल ही आगू कर लो इन पोस्टपोन कर लो पोस्टपोन कर मतलब हो गया भी ये कानून है अजू कैंसल करके खत्म कर एक फोन से है ना गल सुनता हो प्रधानमंत्री वेख लिया इतने की हो रहा की दिल्ली होया वो वेख्या नहीं उन्हें एक आर एस एस के बंदे प्रधानमंत्री बीजेपी के बंदे नौटंकी कर रहे हैं इतने तिरंगा मार्च कटिया गया जो कि बीजेपी आर एस एस द्वारा कटिया गया बहुत वधिया असं तो सम्मान कर रहे तिरंगा मार्च होना चाहिए असं तिरंगे के थले हाँ तिरंगा साढ़े जी बहुत उच्चा भारत इन्हों का कला का नहीं साडा भी बच्चे हिस्सा ये साढ़े सी बाकी हाँ ये जरा षड्यंत्र किया इन्हें आवाज मारी एक पंद्रह बंदे फ्लैग मार्च कर दिया सानू आवाज मारता सी हजार साल पंद्रह बंदे फ्लैग मार्च करने का की तुक बनता है इतों यदि नाकामी नहीं लगती इन्हों को पंद्रह बंदे जुड़े सौ बंदा भी नहीं कर सके लोग इन्हों तो नफरत कर रहे हैं समझ नहीं रहे इतने सानू आवाज मारते अभी तिरंगा मार्च करने आओ साढ़े नाल लगो अभी तिरंगा मार्च करने अभी तिरंगे तो बाहर थोड़ा वा अभी तिरंगे के नाल तिरंगा साढ़ा इन्हों का नहीं गा ये जिते जाते हैं आर एस एस वाले जो 26 जनवरी होंगी है बीजेपी का झंडा लहरा के जनगणमन गाते हैं इन्हों पूछा जाए भी तुम बेइज्जती कि कर रहे हो लाल किला बेचता बेइज्जती कि नहीं की एक गल समझ के उत्ते आ रहे हैं लोग जागरूक ने पहला इन्होंने किया जी सोशल मीडिया से जोड़ा एक चल रहा है भी तिरंगा सुटता गया भी उन दूजा निशान फड़ा गया वो ध्यान ना देखो वो एडिट है एक जो टीवी का लॉगो है वो उत्ते दूजा लॉगो लाया गया तो चेक करो और दूसरी चीज जोड़ा बंदा तिरंग झंडे से चढ़ रहा है डंडे के उत्ते 10 फुट का डंडा है जिथे उन्होंने अपना निशान लाया किसानी का जोड़ा वो चढ़ रहा वो 20 फुट से चढ़ रहा है 20 फुट का और बहुत फर्क है जोड़ा बंदा लैके चढ़ रहा नीला झंडा लैके चढ़ रहा उत्ते ला कि रहा वो भी चेक करो ये सारा यदा मतलब बीजेपी सरकार ने पहला ही शूटिंग करके उन्होंने तैयार किया मौके के उत्ते चला दी यदा मतलब षड्यंत्र साफ क्लीयर हो रहा है और लोग जागरूक ने सब किसान जागरूक है वो नाल लगे 36 बरादरियां नाल ने कोई बाहर नहीं गा अज करनाले च कटिया गया 35 बंदे सी मात्र वो भी मुंडे पैदल उत्थे तो कर लेंदे कट्ठे सानू आंदे सी उंदे नाल तिरंगा मार्च तो असीं बाहर थोड़ा वा ये किसानों तो बाहर ने असीं नहीं बाहर ये सारी समाज दा लड़ाई है कल्ले साडी लड़ाई ये किसी होर दी लड़ाई नहीं इहनू सारे रल के लड़ रहे क्यों एक है क्यों दुनिया एक होई है प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्रपति ने अमेरिका ने भी आख्या भी तू गलत कर रहा तेन सरकार चलाने नहीं आती सरकार छड़ दे इनू समझना चाहिए दूजे यूएन ने भी कि डांट रही है पर अड़ब है अजय नहीं समझ रहा पर हाँ यह ढिला होया ये ढिला होया इन पता लगा किसानों बोलना पेगा पहली बार बोलिया किसानों बारे जिन्ना भी तोड़ना चाहती है सरकार ये ही ज्यादा जुड़ते जाते हैं ये हर चाल कोई भी चाल चल लवे सरकार इन्हों की कामयाब नहीं हो सकती इन्होंने बहुत तोड़िया इन्होंने मोबाइल भी अपना इंटरनेट भी बंद किया जो भी सिस्टम से सरकार के रिलेटिव इन्होंने सारिया चीज़ों बंद किया पर अज के हालात वेखे जा असी गुरुद्वार आवाजें दवा के असी मंदिरों च मंदिर मस्जिद हर के आवाजें दवा के अज वेखो कि तैनात इतने अज इन्नी तैनात है कि इतने फौजी आए थे कल पर उन्होंने कोई पता नहीं हूँ कितने गए जो ये लंगर बंद करवाने वाली है ये खट्टर सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश थी जब 26 जनवरी के बाद थोड़ी सी वो हिस्सा जो बीजेपी वालों ने ही करवाई थी उसके बाद उस दबाव का फायदा उठाकर यहाँ से बिहाड़ी पे आदमी ले आकर बीजेपी ने कुछ किसानों के साथ थोड़ी सी झड़प कराई और डीसी और एसपी की प्रशासनिक सहायता लेकर उसका सहारा लेकर यहाँ से लंगर उठवाने की कोशिश करी थी जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि किसानों का धरना शांति क्रिया चल रहा है और ये अहिंसा फैलाते हैं दंगे भड़काते हैं ताकि किसानों का जो आंदोलन है वो कमजोर हो जाए और किसान अपने आंदोलन से हट जाए और जो इनके जो काले कानून लाने वाले मंसूबे हैं वो पूरे हो जाए। आपको क्या लग रहा है ये लगातार ये आंदोलन
इसको बिल्कुल ये सही देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा है जब ये लाल किले वाला थोड़ी सी अहिंसा इन्होंने ही बुलवाई थी जो अपने आदमी भेजकर, तो वो किसानों पे जो एलिगेशन लगाए हैं उससे थोड़ा किसानों ने डर व आम जनता में भय पैदा किया था, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा था। जब इन्होंने टिकैत साहब के साथ वहाँ पर ज्यादतियाँ की और टिकैत साहब का वो इमोशनल वीडियो जारी हुआ, तो किसानों में दोबारा से जागृति आई, जो अपने थोड़ा सा घर या काम काज देखने के लिए आ गए थे वो दोबारा वापस दिल्ली कोच कर गए। और अब ये आंदोलन जो पहले 26 जनवरी से पहले भी आंदोलन जो चरम सीमा पे था उससे भी आगे है, और उससे हारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी स्पीच भी दे दी है कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, और आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी ये भी कहेगा कि ये मैं कानून वापस लेना पड़ेगा। जी भाई साहब, पता की बात है, आप एक देख लो, सीएम जब जियो की पोर्ट बंद करवाने के लिए किया तो उन्होंने जियो का नंबर ही बंद कर दिया, पोर्ट नंबर ही बंद कर दिया, इतने डर गए। और ट्रेनों पे लिखा हुआ है अडानी अंबानी, ट्रेनों पे लिखा जाता था भारतीय ट्रेन यूनियन। तो अब इन्होंने बहुत गलत किया जो भी किया है। आप क्या जानना चाहेंगे लगातार ये पिछले कई दिनों से ये आंदोलन यहाँ पर चल रहा था, यहाँ पर दर्शन चल रहा था, लंगर दो तीन दिन के लिए भी रहेंगे, आपको कैसे लग रहा है? अब तो आप ही देखें, सबसे पहले तो मैं आप सोशल मीडिया के सभी भाइयों को मैं बधाई देना चाहूँगा, जो घरों में हमारे आज ये आंदोलन है ना, वह सारा टोल टैक्स सबसे जो बाटर में भी रहेगा, ये आंदोलन कर कर तक पहुँच गए। अब घरों में जो हमारी माताएं बहने भी जो किसान बेटी और किसान माताएं जो घरों में है वो भी इस आंदोलन से पूरी तरह जुड़ गई है। और अभी आंदोलन आप देखना, ये आंदोलन इतने बड़े स्केल पे जाएगा, अब तो मोदी को और सरकार को घूमने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जो साजिश रची पूरे देश ने देखी। कुछ चैनल, हमारे जो चैनल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो पूरी तरह किसानों के खिलाफ थी, सुबह 8 बजे से देखते रहे, गुस्सा भी बहुत था, गुस्सा इतना था भाई एलईडी तोड़ दे या टीवी तोड़ दे। लेकिन जैसे आप, हाँ आप लोग जैसे सोशल मीडिया को देखते थे एक ताकत मिलती है, आप लोगों ने किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर किसानों का साथ दिया, सोशल मीडिया जो सच्चाई थी ये नहीं भी आपने जो तो सच्चाई थी, सच्चाई को आप लोगों ने दिखाया। और ये आंदोलन आज की पीक पे है, आंदोलन गुजरात को लगा भाई आंदोलन खत्म हो जाएगा, आज चले जाएंगे हमारे कुछ नेता, नेताओं के भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, दो नेता में नाम नहीं लूंगा, इन्होंने आंदोलन वापसी की घोषणा करी। और मैं हमारे जो नेता सिंह मोर्चा, मैं तो कहूँ उनको दोबारा अपने आंदोलन से मिलाए भाई, हम भी अगर उनसे कोई गलती हुई तो वहाँ में हो या अपनी बंदी, अब यह आंदोलन बड़ी पीक पे जाएगा और सरकार को घूमने देखने ही पड़ेंगे। सभी किसान भाइयों से, सभी किसान बेटियों से, बेटों से मैं प्रार्थना करता हूँ, इस देश के जितने भी चैनल हैं टी वी को छोड़कर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सबको अपने घर में इसके चैनलों को लेना, जो पेड़ चैनल अपने डिश से काट दे, अपने केबल वाले को बोलो जो उन चैनलों को देखे ही ना, सोशल मीडिया देखे और ओनली एन टी वी देखे, जो सच्चाई दिखाते हैं उसको देखे। एक तो फायदा हुआ है नेशनल वो दिखा रहे थे, वो मजाक उड़ा रहे थे, वो मजाक बना रहे थे, देखो आज ये रो रहा है, लेकिन उनको इस बात का नहीं पता था भाई होने वाला क्या है, उनको नहीं पता था उसकी एक आंसू गिरेगी किसानों का फोन गिरेगा। और वो आप देख मेरा रात कोई ट्रैक्टर जैसे निकले, ट्रैक्टर निकले उत्तर प्रदेश खड़े हो गया, पंजाब से भी रात साढ़े ट्रैक्टर चल गए, पूरे हरियाणा में रात को पंचायत हुए, हर गांव में पंचायत हुए, कि सरकार के ऐसे घरों में बढ़ते गए 60 दिन के मेहनत ऐसे जाया नहीं जाएगी किसी की भी, 60 दिन तक यहाँ पर बैठ रहे भूखे नंगे थी सर्दी में, 100 के करीब हमारे किसानों को साथ देते हैं। और अमेरिका के अंदर चार आदमी वहाँ मरते हैं संसद में, ये प्रधानमंत्री वहाँ तो ट्वीट करके संवेदना व्यक्त करता है, और यहाँ किसानों के प्रति एक एक संवेदना व्यक्त भी नहीं करता, तो 100 साथ दे देगी तो डूब के मर जाना चाहिए सरकार को। और इस मुद्दे में तो क्या कहें, इतनी दिक्कत सी भाई साहब, कमाल की बात है, इतना तानाशाह शायद ही कोई होगा आने वाले टाइम में, शायद ऐसा होगा, इससे पहले भी सरकारें रही ऐसा थोड़ी था। और इसको बनाया किसने, इसको हम ही लोगों ने बनाया, 400 सीटें दी थी भाई साहब, 400 सीटें कम नहीं होती, अहंकार बस इतने अहंकार में आ गया, तुम आ गए किसान हमारे वर्ग के, हमारा एक बेटा मेरे भाई मरे उत्तराखंड से नवनीत, अरे एक संवेदना व्यक्त कर सकता हूँ, कोई प्रधानमंत्री स्टेट का मुख्यमंत्री कोई मंत्री कोई भी आरामदादा भी बात दे, तो यार कोई वो बेटा मरे हो किसका बेटा नहीं है क्या? और ये है ना, नवनीत की शादत बेकार नहीं जाएगी, किसानों की शादत जाया नहीं जाएगी।
लेकिन कैफ साहब की आंदोलन बिहार पूरा भारत उसी रात 8 बजे के बाद ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पंजाब उसको ये आंदोलन पहले भी मैं बताऊँ आपको ये पूरे भारत का आंदोलन है। दूसरी स्टेटों में भी एजिटेशन हो रहे हैं लेकिन अगर मध्य प्रदेश के किसान ही आना चाहे तो आना नामुमकिन है। राजस्थान का आना चाहे राजस्थान के उस बॉर्डर पे आ सकते हैं। ये नहीं था ये पंजाब के है। ये भी वो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। खाली पंजाब में गलत प्रचार था। ये हरियाणा उत्तर प्रदेश पूरे भारत के किसान का एजिटेशन था। हाँ पंजाब के जो हमारे भाई थे वो ज्यादा संख्या में भागीदारी कर रहे थे लेकिन अब नहीं। अब तो फिर सारा देश खड़े हो, उत्तर प्रदेश भी खड़े हो गए, अब तो हरियाणा भी खड़े हो गया। ये तो पंजाब ने शुरुआत करी, समापन अभी उत्तर प्रदेश करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ शुरुआत पंजाब ने कर दी, समापन उत्तर प्रदेश करेगा और घुटने टेकने पे मजबूर होना पड़ेगा सरकार ना। ये आपसे कहना चाहता हूँ दोबारा से सोशल मीडिया के सभी भाइयों को बहनों को बार बार धन्यवाद। किसान परिवार पर, किसान कौन पर, सोशल मीडिया हमेशा किसान परिवार आपका कर्जदार रहेगा। आपका बहुत आसान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे किसान जिनका यही कहना है कि ये आंदोलन पीक पर पहुंच चुके हैं और पिछले दिनों 26 जनवरी की घटना हुई थी उसको लेकर कुछ ना कुछ जरूर आंदोलन में दिक्कत आई थी, कमी आई थी लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से ये आंदोलन पीक पर पहुंच चुके हैं और पंजाब ने इसकी शुरुआत की थी, उत्तर प्रदेश इसका समापन करेगा और सरकार को कहीं ना कहीं तीनों को अनुमति वापस लेने पड़ेगी। ये किसानों का यहाँ बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर कहना है। जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा था कहीं ना कहीं सरकार ने इसको बंद करवाने की कोशिश की, लंगर बंद करवा दिया, दोबारा से काफी संख्या में किसान पहुंचे। देखिए बहुत शांतिमय तरीके से पिछले तकरीबन 40-45 दिन से ये धरना चल रहा था लेकिन सरकार ने एक तानाशाही रूप लेते हुए इसको एकदम से हटा दिया 29 तारीख को। लेकिन किसानों में और जनता में इस बात का रोष था कि गुरु के लंगर की जब सरकार को जरूरत थी कोरोना के टाइम में तब तो बड़ा इनको इतना मान सम्मान दिया जा रहा था लेकिन जब आज ये लोग अपने सम्मान के लिए यहाँ पर खड़े हैं तो सरकार को बुरा लग रहा है और सरकार ने नेट बंद कर दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम कितनी गुंडागर्दी की हद तक हम गिर सकते हैं। सरकार उस बात को छिपाने के लिए उन्होंने लोगों ने नेट बंद किया। किसान आंदोलन अब लग रहा है पीक पर चल रहा है, बीच में थोड़ी सी कमी जरूर आई थी 26 जनवरी का इंसिडेंट। देखिए ऐसा है जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ चलते हैं तो बीच में कोई ना कोई शरारती तत्व आ जाता है लेकिन किसान अपनी जिस मुद्दे के ऊपर उस समय डटे हुए थे आज भी वो उसी मुद्दे पर डटे हुए हैं और हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस काले कानून को कैंसिल किया जाए। इसके अलावा अगर कोई गड़बड़ हो गई, देखिए हमने तो पहले दिन ही ये कहा था कि अगर कोई शरारती तत्व बीच में है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करे। सिंगू बॉर्डर की घटना को कैसे देखते हैं? सिंगू बॉर्डर पे जो घटना की गई उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि शासन और प्रशासन की आँख ही जब खुलती है जब घटना घटित हो चुकी होती है। हजारों की तादाद में वहाँ पर पुलिस प्रशासन है लेकिन कर क्या रहा है? आपको लग नहीं रहा प्रोटेक्शन में आए, पुलिस की प्रोटेक्शन में आए? क्या कहेंगे आप इस बात को? साफ साफ नजर आ रहा है पुलिस सामने खड़ी है। लाल किले पर जब झंडा फहराया जा रहा था उस समय पुलिस सामने कुर्सियों के ऊपर बैठी है। उस पुलिस की क्या जिम्मेवारी थी, क्या हो सकता था, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई? जिम्मेवारी पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। आपको क्या लग रहा है पूरा हरियाणा पंजाब क्या पूरा देश उठ के आ गया है? पूरा देश
पूरा के बाद हाँ बिल्कुल राकेश कैद के वो आंसू उन्होंने एक जन सैलाब उत्पन्न किया, पूरा देश एक हो गया, बच्चे बच्चे को ये पता चला कि किसान क्या है। आज हमारे बच्चे जो कभी मेरे बच्चे तो कर यहाँ पर आते हैं, लेकिन मेरी बेटियाँ आज रोहतक से आई हैं और वो भी ये कह रही है मम्मा इनकलाब जिंदाबाद, जो मेरे को सिर्फ शायद फोन पे ही सुनते होंगे। मैं इस आंदोलन के बीच में कभी अपनी बेटी से नहीं मिली, वो आज सुबह सुबह आई है, उसने भी मुझे ये कहा मम्मा इनकलाब जिंदाबाद। तो अगर हमारे बच्चों को ये बात पता चल गई तो इससे ज्यादा तो हम कुछ चाहते भी नहीं है।